अच्छे अच्छे काम करेंगे और पुअर्स को डोनेट करेंगे। तो बस फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करनी है एंड देन काम को रखो साइड में, एंजॉय करो लाइफ में। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं नेशन भारत। नया साल आने वाला है, आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी फन और मस्ती होने वाली है। लोग नया साल में पुरानी चीजों को भुलाकर नया साल में नई चीजों की शुरुआत करते हैं। तो मैं अभी पटना के इको पार्क के पास पहुंच चुकी है लोगों से जानने के लिए कि नया साल को लेकर वो कितना एक्साइटेड है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। क्या करने वाले हो न्यू ईयर में? अच्छे अच्छे काम करेंगे और पुअर्स को डोनेट करेंगे। दिस न्यू ईयर कोई पुअर रोएगा नहीं, यही करेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे जो दूसरों को हैप्पी बनाए। न्यू ईयर में आप रिजोल्यूशन क्या है, क्या प्रण लेने वाली हो न्यू ईयर में? मैं प्रण लेने वाली हूँ न्यू ईयर में कि मैं वाटर को सेव करूँगी और कोई फूड वेस्ट नहीं करूँगी। हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम शिवांशी शोहम है। नया साल को लेकर सर आप कितना एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हैं और मैं नई बाइक लेने वाला हूं और दोस्त के साथ पिकनिक पे जाऊंगा, पार्टी वार्टी करूंगा, नया साल को एंजॉय बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, उसको सेलिब्रेट यानी धमाल मचाने वाले हो आप। सेलिब्रेट मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। नया साल मनाने गोवा जा रहे हैं, 1 जनवरी सेलिब्रेट करने जा रही हूं। हां बस और कुछ प्लानिंग भी है? नहीं, बाकी प्लानिंग वही है, वहां जाके इंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हैं न्यू ईयर का ही अंतिम विदाई दे रहे हैं, मतलब 2019 की विदाई के लिए आए हैं। हाँ, विदाई के लिए आए हम बच्चों के साथ। बेंगलोर जा रहे हैं न्यू ईयर मनाने। जैसा कि मैम लोग लास्ट ईयर सेलिब्रेट करने आई है और उनके तरफ से हम लोगों को दहीवारा दिया गया, चलिए तो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं 2019 का एंडिंग। रात में न्यू ईयर का वहीं सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेशन करने वाले हैं, पार्क मौज मस्ती, लेट नाइट पार्टी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मौसम का तो मजा लेना चाहिए हम लोगों को, क्या जाहिर सी बात है। मौसम में जैसे तो ठंड तो है ही, ठंड को क्यों अवॉइड करना ज्यादा। हम लोग ठंड को अवॉइड करो और खुद मस्ती करो, यही बस लो है हम लोग का न्यू ईयर का। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू ईयर को लेके? मैसेज यही देना चाहेंगे कि गम सबके जीवन में है, गम को रखो साइड में, एंजॉय करो लाइफ में। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और नए साल के आने के साथ साथ मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत खुश रहे और मेरी फैमिली बहुत खुश रहे और हैप्पी न्यू ईयर। एक्चुअली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरा काफ़ी एक दो साल से हम यहाँ पे हैं नहीं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई मतलब हम अपनी खुद के होम टाउन में न्यू ईयर मनाएंगे, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एक्साइटेड है। और प्लानिंग क्या है न्यू ईयर को लेके? नथिंग स्पेशल, बस फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करनी है एंड देन बैक होम सेलिब्रेटिंग, कटिंग केक्स। एंड रिजोल्यूशन का वो तो होने से रहा, आप कितने भी प्रॉमिसेस कर लो कि न्यू ईयर में आप ये करोगे वो करोगे, बट वो चीज़ फिर प्रॉमिस टूट जाती है। बट मेरी ये है कि राइट नाउ हम जिस कॉलेज में हैं, तो जस्ट आई वांट कि यू नो मेरा वो कंटिन्यू रहे कॉलेज में मार्क्स। लोगों को खुशी हो और हार्मनी हो, जिस तरह से देखा जा रहा है CAB के प्रोटेस्ट के कारण कितना बहुत ही लोग बहुत डरे से हैं, सहमे से हैं, और वो जो यूनिटी थी वो ब्रेक हो चुकी है। तो न्यू ईयर में रिजोल्यूशन ले कि सभी धर्मों को एक साथ जोड़ के चले और प्रोटेस्ट से उभरे लोग और फिर से साथ में मिलजुल के रहे। हैप्पी न्यू ईयर। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, पटना एंजॉय करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करने वाला हूँ इस बार। और यहाँ तो लोकेशन कुछ मिल नहीं रहा है, जो ही लोकेशन है उसमें अच्छे से हम लोग इंजॉय करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट। न्यू ईयर के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि ये जो न्यू ईयर आने वाला, तो इससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छा प्लानिंग किया हूँ पार्टी बनाने का और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको इस बारे में। और मैं ये जो 2019 जो अभी इन हो रहा है वो भी बहुत ही अच्छे साल गया है और मैं आज स्पेशली सलमान खान की बर्थडे के लिए मैंने केक लेके आया हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सलमान खान के। तो ये कहूँगा कि जो 2020 आने वाला, मतलब हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ आएंगे और पिकनिक मनाएंगे, बस छोटा सा फैमिली हम लोगों का। देखिए हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री पोस्ट से हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया हूँ और जो हमारा स्पेशल प्लान है 31st दिसंबर को, तो हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर इको पार्क आएंगे। बहुत अच्छा लगा हमें पटना से, हम स्पेशली हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं मैम, और हम यहाँ पे इको पार्क आए हैं और यहाँ पे जो जू है वो घूमेंगे और बाकी हमें पटना बहुत अच्छा लगा। पार्क जाएंगे, मूवी देखेंगे, हम फुल एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ, अपने बेटे पोता पोती के साथ, सबके साथ, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी न्यू ईयर घर पे भी हम लोग बहुत सारे खाने बनाते हैं, सब लोग मिलकर खाते पीते हैं, पार्क में जाके पिकनिक मनाते हैं, बहुत ही मज़ा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको। मतलब दुश्मनी जो कुछ भी है, मतलब कि पहले की चीज़ों को ये सबको बोलना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए आगे, और उसके बाद नए तरीके से शुरू करना चाहिए अपना न्यू ईयर। न्यू ईयर को लेकर लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? यस मैम, नया साल आ रहा है, नया सोच लाओ, और ये सब जो है मतलब लड़कियों को लेकर के निगेटिव थिंग्स मैम, जैसे कि अभी आप सुने रेप वेप के बारे में, उन सब चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, सही नहीं है, डेवलप नहीं कर पाएगा कभी इंडिया इस चीज़ को लेकर के। बच्चे आए हुए हैं तो उनके साथ खूब घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, और पूरे सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अपने फैमिली को बुला के घर में ही इंजॉय करते हैं, बस बाहर नहीं निकलते। आप मैम? बस वही से भी। तो आपने देखा न्यू ईयर को लेकर लोग कितना एक्साइटेड हैं। नेचर भारत की तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।